वक्त जब सरजमीन हिंदुस्तान ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई हक बोलने वाला नहीं, कोई सच्चाई की वकालत करने वाला नहीं, ऐसे मौका पर हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों के तलबा और तलबा बिरादरी का जोश और खरोश इस बात को बतलाने में कामयाब रहा कि हिंदुस्तान अभी जिंदा है, हिंदुस्तान की आवाम भी जिंदा है। शुरू करता हूँ कि जिस धस से कोई मक्तल में गया, जिस धस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। आज हम और आप जिन शब रोज से गुजर रहे हैं वो शब रोज बहुत अच्छे नहीं है। मुल्क के अंदर हालात कैसे कैसे बनाए गए और क्या क्या चीजें की गई ये किसी से मखफी और पोशीदा नहीं है। इस वक्त अल्लामा इकबाल का वो शेर अगर मैं पढ़ूं, और सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि हर नौजवान के दिलों में इसकी गोद बरकरार रहनी चाहिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस मुल्क का कानून और संविधान तमाम लोगों को बराबरी का हक देता हो, जिस मुल्क का आईन तमाम लोगों के हकों को महफूज रखता हो, उस मुल्क के अंदर अगर हिंदुशाही आएगी, उस मुल्क के अंदर अगर लोगों के हकों को पामाल किया जाएगा, तो ऐसे आलम में जब दुनिया इस हिंदुस्तान के लोग करा रहे थे कि कहां से वो उम्मीद जगे, कहां से वो लोग पैदा हो कि जिनके जिनकी आवाज में आवाज मिला करके हम आंखों में आंखें डालकर अपने हकों को मनवा सके और मांग सके, आप तमाम बिरादरी इसके लिए मुबारकबाद के मुद्दे। तलबा बिरादरी यकीनन इस बात को याद रखे कि आसाम के वो भाई जिन्होंने भी इस आंदोलन को शुरू किया वो आंदोलन मथा की बुनियाद पर नहीं किया गया। आसाम की बिरादरी के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, कम अज कम उन लोगों ने हमें रास्ता दिखलाया कि अपने अपने अपनी बातों को रखने के लिए आंदोलन करो, सड़कों पर उतरो, वरना तुम्हारी कोई बात मानी नहीं जाएगी। आप देख लें 370 का वाकया, आर्टिकल 370 का वाकया और बाबरी मस्जिद का वाकया, जिस बात को सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि ये गलत हुआ 1949 में, ये गलत हुआ 1983 में, ये गलत हुआ मस्जिद के अंदर मंदिर बनाई गई, सब गलत हुआ सब मानते हुए, लेकिन इसके बावजूद इस बात का फैसला करती है कि कानून ये कहता है कि वहां पर मंदिर बने। मुसलमान मायूस था, मुसलमान कमजोर था, मैं उस पर आ रहा हूं, मुसलमान कमजोर था, तमाम चीजें थी, लेकिन ये उम्मीद जो जगी कैब के जरिया से, जिस अंदाज से पूरी, ऐसा लगा कि ये बाबरी मस्जिद का फैसला तो हो गया, अब लगा कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अब इख्तलाफात नहीं होते, अब मुसलमान हिंदू सब लोग मिलकर के रहेंगे, उम्मीदें जगी कि लड़ाइयां नहीं होंगी, लोगों ने फिक्री की बातें की, सब मिलकर के खड़े हुए, लेकिन फिर मुद्दा उठाया गया और इस अंदाज से हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की गई कि मुसलमान आपस में हिंदू मुसलमान लड़े, और यही साजिश इस कैद के जरिए से की गई। जरा सोचे कि जिस अंदाज से बात उठाई गई कि तमाम लोगों को इस मुल्क के अंदर शरीयत दी जाएगी सिवा एक मजहब के मानने वाले, आखिर क्यों? क्या मौलाना आजाद आजादी में शरीक नहीं थे? क्या उलमा की जो बड़ी तादाद अंग्रेजों के जरिए से फांसी पर चढ़ाई गई थी वो सब मुसलमान नहीं थे? और कब ये बात आ गई कि मुसलमान और हिंदू में मुल्क को बांटा जाए? हमारा मुल्क तो वो मुल्क था जब हमारे पड़ोस में इस्लाम के नाम पर कोई मुल्क बन रहा था, इस मुल्क के लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर खड़ा करेंगे। आज देखते हैं कि तलबा पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। हम इस चार की बात मुझे याद है, मुमकिन है कि आप लोगों की नजर उस पर ना गई हो, जब वो विधानसभा में तकलीफ कर रहे थे तो एक जुमला उन्होंने कहा था चुपके थे कि ना पीस के आवाम से मेरी गुजारिश है कि कोई आंदोलन ना करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें
और खुश हो जाए शुक्रिया अदा करें नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कि जो सड़कों पर उतरे और मुखालफत की और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आग जलाई और आंदोलन शुरू किया। और किसी बड़े वकील ने कहा कि ऐसा आंदोलन शुरू हुआ है कि इस आंदोलन की आधी में बड़ी बड़ी कुर्सियां भी उड़ जाएंगी। और यकीन जाने सड़कों पर उतरना ये हमारा आईन हमें इजाजत देता है। हम सड़कों पर उतर कर अपनी बात रखते हैं क्योंकि हमें पता है किसी को जितने लोग नेता बनने और जमीन फरोख लोग हैं वो कौम के गद्दार हैं, वो रेपिस हैं, वो नकामे कौन कौन सी चीजों के जुर्म किए हुए हैं वो हमें हमारा हक नहीं दे सकते। सड़कों पर उतरना और सड़कों पर उतर करके अपनी बातें रखना ये बहुत जरूरी है। ऐसे हालत में कलम डालनी जागी है, ऐसे वक्त में कलम डालनी जागी है जिस वक्त बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां भी घुटने टेक दिए थे। कोई ईडी से डर रहा है तो कोई किसी से डर रहा है, कोई किसी से डर रहा है, आखिर इंसाफ पसंद लोग कहां गए? अन्ना हजारे का एक आंदोलन पूरा तख्ता पड़ सकता है, उस तरह का कोई लीडर क्यों पैदा नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा जमीन मर चुका है, क्योंकि हम बिक चुके हैं, क्योंकि हमारे जेबों को पैसों की जरूरत है। हमारे जेबों आज हमारे जिलों में गरीबों बेकसों बेसहारा लोगों बेटियों मिल्लत की मिल्लत के तमाम लोगों का दर्द नहीं रहा। हम और आप भारत बन चुके हैं और यही मंजर हिंदुस्तान देख रहा है। गोपाल कृष्ण का आरम इस तरफ कि कोई किसी की बात उठाने के लिए तैयार नहीं। जब महाराष्ट्र में हुकूमत बनी तो उम्मीद जगी कि हाँ ऐसे लीडर मौजूद है, ऐसे लीडर मौजूद है, मुमकिन है कि इसी तूफान को रोक सके। लेकिन वो भी रोकने के लिए काम काफी नजर आए कि तलबा जामिया के धर्मशाली भाई है, भाई ने कहा कैप पर बोलो कैप पर बहुत सुना आपने, ऐप बन गया सीए बन गया, अब कितने आसानी से बनते चले गए, कहीं पर कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा काबिल मुबारकबाद है, उन्होंने जम करके उसकी मुखालफत की, आवाज खुले हिंदुस्तान की समाजवादी पार्टी भाई गए कि सदर उन्हें मारा गया, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने पड़ने वाली मासूम बच्चियों के दुपट्टों को खींच करके मारा गया। अभी एक बच्ची की वीडियो देखा, कुर्सी को पुलिस वाला कुर्सी फेंक करके उसके सर इतना तेज मारा कि जाने गिर गई। ये हालात दो बच्चों को देखा एक नाम होते भोपाली में पड़ा हुआ है। ये हमारा हिंदुस्तान जो तरबा कौन के मुस्तकबिल जो मुल्क के मेहमान है, यही वो तलबा है जो दीगर मुल्कों में जाकर के हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। बड़े फर्क से ये हिंदुस्तानी कहता है कि फला सीओ इंडियन है, फला अमेरिकी इंसान इंडियन है, कितनी खुशी की बात होती है। उन्हीं तलबा को मुस्तकबिल, उन्हीं तलबा को मिटाने की बात की जा रही है, उन्हीं तलबा को मारा जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर किस अंदाज से, किस अंदाज हमारे शरीर तोड़ा गया, किस अंदाज से हॉस्टल में घुस करके बच्चों के कपड़े चलाए गए, लैपटॉप तोड़े गए, घड़ियां तोड़ी गई। शेर कहता है वाइसासन कहता है कि कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिससे यूनिवर्सिटी की इमारतों को नुकसान का खतरा था, उसके बाद गेट खोल दिया गया। फिर क्या खतरा हुआ, एक बच्चे का हाथ देखा उसका पूरा हाथ घायल हो चुका, हाथ घायल हो चुका, उसका हाथ खोल दे, 150 से ज्यादा लोग घायल, उसका जिम्मेदार कौन है? और तलबों ने कब उपद्रव मचाया? कभी नहीं मचाया, हमेशा शांति से इन्होंने आंदोलन किया। और बात है कि इन लोगों ने मिलकर के ऐसे लोगों को बीच में भेज देते हैं ताकि जाकर के गुंडागर्दी करके माहौल को खराब करके उस चलते हुए आंदोलन को तबाह कर। अभी कुछ देर पहले भी खबर आई दिल्ली से, सीमापुर के अंदर फिर भगदड़ मची मारे गए लोग, जामिया मिलिया के बच्चे रोड पर हड़ताल कर रहे हैं और बेहतरीन रोड तैयार कर लिया कि भाई किसी के आने जाने में कोई दिक्कत ना। ये तमीज रोज सिखाता है, ये तालीम सिखाता है, ये तालीम गाय सिखाता है। इस बात को जरूर ध्यान में कि हमारा और आपका धन खाली है, किस बात से खाली है? करप्शन से खाली है, किसी के डर और खौफ से खाली है, बेईमानी से खाली है। हमारा और आपका भी ईमानदारी से लबालब
भरा हुआ है, हमारे और आपके दिल में ईमानदारी भरी हुई है, हमारे और आपके दिल में गरीब का आंसू आंसू नजर आता है, हमारे और आपके दिल में भूखी भूखी मरती की खवातीन की आहें हमें आंखों में चुभ होती है, इसलिए तलब जाती जानती है अगर ये मिट गई तो फिर कौन मिट सकती है, पूरा मुल्क मिट सकता है। इस आंदोलन की बहुत सख्त जरूरत है, हर कोई मुतमईन है, हर ईमानदार मुतमईन है, हर इंसान पसंद मुतमईन है, क्योंकि आंदोलन ही तारीख बदलती है, आंदोलन ही तारीखें बदली है। ऐसे आलम में हमें और आपको अपनी एकजहती को बरकरार रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। आप खुद सोचें कि सीएए के जरिए से किस अंदाज से आसाम के वो तकरीबन 12-13 लाख हिंदुस्तानी आवाम को पहले ये साबित किया जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, उसके बाद उन्हें ये कहा जाएगा कि तुम मानो उस बात को कि तुम घुसपैठिया हो, तुम वहां से आए हो, वहां से आए हो, वहां से आए हो, तुम इसका इंतजार करो, फिर हम तुम्हें अपने मैं मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहता, 5-5 लाख मुसलमान जो है उनके साथ क्या होगा ये दुनिया जानती है, और यही वजह है कि हर इंसान पसंद हिंदू भाई हमारे साथ खड़ा, वो इस बात को महसूस करता है, समझता है कि क्या हो रहा है, आखिर क्या दोहराया जा रहा है, क्यों इस मुल्क के आवाम को हमने शांति से नहीं रहने दिया जा रहा, क्यों ऐसी बातें उठाई जा रही, क्या जरूरत है, कितनी अच्छी बात होती हमने सही से कितने लोग दावा करते कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान दुनिया का गुरु है, ये गुरु बनेगा, गुरु बनने की हैसियत क्या होती है, ये दुनिया का कोई भी इंसान हो किसी भी मुल्क का रहने वाला अगर मदालिम हुसैन आ रहा है तो उसके साथ खड़े हो, उसके साथ खड़े हो, आप अपने दिल को ओपन कर दीजिए। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, ये बड़ी अहम बातें हैं जो हमें और आपको समझनी हो, और यकीन जाने हमें साथ जी की वो बात बड़ी अच्छी है जो आप तलबा के लिए ताकत मिल सकती है कि आंदोलन न करो। अभी कल की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है, अमित शाह ने कहा कि तलबा बिरादरी से मैं गुजारिश करता हूं कि एक बार इस बिल को लागू करने दे, उन्हें तकलीफ नहीं हो, यानी वो तलबा से गिरे हुए हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास इस बिल के लिए हम भरपूर मजम्मत करते हैं। समाज के अंदर मुनाफरत दुश्मनी एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ चीजें ये सब इतनी खतरनाक चीजें हैं, और ये इस तरह के बिल आने के बाद यही होता है कि आपस में दुश्मनियां बढ़े, आपस में लड़ाइयां बढ़े, यकजहती खत्म हो, अमन शांति भंग हो, गुनागुनी डाइवर्सिटी को तबाह किया जाए, यही मकासद होते हैं। इन मकासद को समझना और इस पर लगाम लगाना हम तलबा की जिम्मेदारी है। आखिरी बात कहते हुए बात खत्म करूंगा शेर के साथ कि ये बात अभी मुझको भी मालूम नहीं है, ये बात अभी मुझको भी मालूम नहीं है, पत्थर इधर आते हैं उधर क्यों नहीं जाते, पत्थर इधर आते हैं उधर क्यों नहीं जाते, नहीं पत्थर नहीं, नहीं पत्थर नहीं मुझ पर दहकती आग, नहीं पत्थर नहीं मुझ पर दहकती आग बरसाओ, मेरा ये जुर्म है मैं रोशनी के साथ चलता हूँ, मेरा ये जुर्म है रोशनी के साथ चलता हूँ। शुक्रिया, मैं आप लोगों का जैसे मंगोल हूँ कि मुझे आप लोगों ने चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करने का मौका दिया, अल्लाह ताला आपकी आंदोलन को महफूज रखे, हिफाजत करे और आपको आखिरी दम तक कामयाबी तौर पर।